या कोई तरीका नहीं है कि आप आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर को उनका फोन नहीं उठा रहे, अभी भी ही इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर जब तक कि हम स्वेरिंग इन सेरेमनी में हम लोग सर निकल लेते हैं। तारिक साहब अभी तो 10 तारीख आने दीजिए, आप तो बिल्कुल मूड में आ गए मुख्यमंत्री के। बिल्कुल आप देखिए ना बेचारे मुख्यमंत्री योगी जी, उनका चेहरा कितना नीचे उतरा हुआ था। बेचारा इस्तेमाल कर लिया, वो कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे, कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पालन करो अधिकारियों। जी तारिक साहब, बात इन्होंने जो जानबूझ करके झूठ अफवाह जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलती है वो इन्होंने कहने का काम किया है। ये फोन न उठाने की बात कपोल कल्पित है, झूठी है और फैब्रिकेटेड है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन शासन जिस तरह से चला है, पहली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव है जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई है। अच्छा जनता यहाँ बैठी है, हमें तो लगी नहीं रहता कि जनता बैठी है। भाई मैं जानता था कि राकेश भाई बात मेरी मानेंगे नहीं। ये देखिए अयोध्या का जिलाधिकारी का बोर्ड बदल गया, मुझे मालूम है। आप ठीक है तारिक भाई, नहीं दूसरी चीज दिखा रहा हूँ, खुद मुख्यमंत्री जी का आप वो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे बेचारा चेहरा लटका बैठा हुआ है। तारिक भाई बहुत अभी सवाल बहुत सारे हैं, वो भी तो देखिए ना उस पर मुझे भी उसी के पीछे इनका तारिक भाई, मुझे 10 तारीख तक यहाँ रहना, और मुझे मालूम है आपके गुमती में बहुत सारा पानी है, गुमती का पानी सारा टेस्ट होगा और पता चलेगा। आपके माइक आईडी पर लाल रंग दिख रहा है इसलिए सपा सरकार आ रही है। देखिए लाल ये मन बहलाने को इनके पास गलत ख्याल अच्छे अच्छे ये भूल गए कि बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने जो अभी वहाँ रोड शो किया उसमें लाल रंग पहना हुआ था। अच्छा तारिक भाई, राकेश तारिक भाई मैं आता हूँ। अनिल दुबे जी, मतलब पहला राउंड खत्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी चुनाव खत्म हो गया, सातवां चल रहा है, आप बहुत चुपचाप एकदम ऐसा देख रहे हैं। 403 पर हम लोग लड़ रहे हैं, बिल्कुल मिल करके लड़े, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है, हमने कहा कि पहला राउंड खत्म हो गया, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। पहला दूसरा क्या सातवें तक है, सातवें तक है ना, बिल्कुल सातवें। तो इस बार क्या किधर कहाँ कुछ आपका क्या, पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं आपका, फिर उसके बाद बातचीत होगी। अनिल जी, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हाँ, और पूरे बहुमत के साथ सरकार, और आप वही हैं जहां पे रहना चाहिए, है ना? बिल्कुल, नहीं हम बिल्कुल गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन की सरकार हम बनाएंगे, गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो किशोर आपने जो बताया, मुझे मालूम है कि 403 में, और इस बार वो आंकड़ा क्या रहने वाला, सबकी निगाह उसी तरफ है जी। तो ये 0000 लग रहा है। अभी जैसा आपने कहा ना प्रतीक, आपने कहा ना कि अभी 54 सीटों पर तो मतदान चल रहा है, जो आखिरी चरण है वो सबसे अहम है। वहीं पर बनारस में मौजूद है अरुण सिंह, उनके पास चलते हैं। अरुण, सब कुछ जो है ये हो सकता है इतना कांटे का मुकाबला हो जाए कि आखिरी चरण जो है वही सब कुछ तय करे। आखिरी चरण में क्या हाव भाव दिख रहे हैं वहां पर लोगों के, और आखिरी चरण में किस तरह का माहौल दिख रहा है बनारस में?